नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 12 के 2022 का हर प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, बीकानेर की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर की स्थापना राव बीका ने 1488 ईस्वी में की थी। मेडोना एंड चाइल्ड्स कृति किस काल की है? तो मेडोना एंड चाइल्ड्स कृति है वो मुगल काल की है, और मुगल काल में कहें तो यह अकबर कालीन कृति है और इस पे यूरोपीय प्रभाव ने यह पूरी कृति है, मेडोना एंड चाइल्ड्स। अगला प्रश्न, गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार का नाम लिखिए। तो गुलेर शैली का प्रमुख चित्रकार जिसको मानक और मनकू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वसली क्या है? तो वसली कागज पे कागज लगा करके एक प्रकार से एक मोटा कागज तैयार किया जाता था चित्रकला के लिए, उसे वसली कहा जाता था। महाराष्ट्र की कौन सी कला प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र की वर्ली कला है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम लिखिए। अल्लाह रिजा, साहबदीन, ईसा और नाथू ये बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार। कोटा शैली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो कोटा शैली वो शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। जहांगीर का सपना कृति किसने चित्रित की थी? जहांगीर का सपना कृति है वो अबुल हसन ने चित्रित की थी। अगला प्रश्न है, गुलिस्ता पांडुलिपि को किसने चित्रित किया था? तो गुलिस्ता पांडुलिपि है ये दक्कनी शैली से संबंधित है और अहमदनगर नगर शैली के अंतर्गत ये आती है। इस पांडुलिपि को बुखारा चित्रकारों ने वो चित्रित किया था। योगिनी चित्र किस शैली से संबंधित है? योगिनी चित्र है वो बीजापुर शैली यानी दक्कनी शैली में जो बीजापुर शैली है उससे संबंधित है। मिथिला कला का अन्य क्या नाम है? तो मिथिला कला का अन्य नाम है वो मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी हम जानते हैं। पहाड़ी शैली की उप शैलियों के नाम लिखिए। तो पहाड़ी शैली की उप शैलियां हैं वो कांगड़ा है, बसोली है, चंबा है, गुलेर है, कुल्लू है आदि, ये पहाड़ी शैली की शैलियां हैं। अगला प्रश्न है, टेराकोटा क्या है? तो टेराकोटा मिट्टी के द्वारा बनाई गई मूर्तियां और मिट्टी के द्वारा बनाए गए जो खिलौने हैं पका करके बनाए जाते थे उन्हें टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, फड़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो फड़ चित्रण है वो राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान में भीलवाड़ा और भीलवाड़ा में शाहपुरा एक स्थान है, वहां से जो फड़ चित्रण है वो मशहूर है, यानी फड़ चित्रकला राजस्थान की प्रसिद्ध है। इस प्रकार के प्रश्न आपको निरंतर मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और ये बेल आइकन दबाएं जिससे आगे आने वाले वीडियो है आपको निरंतर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।